ये इतिहास चुनाव चिन्ह का भी बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है। दो बैल जोड़ी माने खेती किसान, ग्रामीण भारतीय संस्कृति, गाय बछड़ा हमारी गौ माता, हमारे ग्रामीण भारतीय संस्कृति, और हाथ जो आज का भी हमारा चुनाव चिन्ह है, क्रम राष्ट्रीय एकता भारतीय संस्कृति। हमें जब पूछते हैं, मैं तो कहता हूं हर पार्टी का एक डीएनए भी होता है, हर व्यक्ति का डीएनए होता है, पर एक पार्टी का भी डीएनए होता है। यह है कांग्रेस का डीएनए, और यही हमें समझना है। आज भाजपा जो लगी है, मुझे तो ताज्जुब होता है, इतनी भीड़ दिल्ली से आ रही है, इतनी भीड़ दिल्ली से आ रही है, भाजपा को अपने 15 साल के मुख्यमंत्री के नाम पर वोट मांगने में शर्म क्यों आ रही है? आज क्या शिवराज सिंह जी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है? ये भाजपा सरकार के 15 साल के इतिहास में इनकी पोल खुल गई है, इसीलिए ये शिवराज सिंह जी के 18 साल के मुख्यमंत्री के नाम पर तो आपको वोट मांगनी चाहिए, पर आप शर्मा रहे हैं, इसमें आप संकोच कर रहे हैं। ये भी बात सोचने समझने वाली है, इसलिए आज इनको बाहर से नेता लाने की आवश्यकता पड़ रही है। भाजपा का मूल चेहरा, एक मूल चेहरा है, वो खो गया है। अब चार नए चेहरे हैं, भाजपा के चार नए चेहरे हैं, बनावटी भाजपा, दिखावटी भाजपा, मिलावटी भाजपा और सजावटी भाजपा। ये इनके अब चेहरा है, ये भारतीय जनता पार्टी हो गई है। तो हमें, हमारी पार्टी को और मुझे, मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। प्रजातंत्र में चुनाव आते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, जनपद के होते हैं, जिला पंचायत के होते हैं, नगर निकाय के होते हैं, महापौर के होते हैं, लोकसभा के। हर चुनाव का अपना महत्व होता है। आप जब सरपंच चुनते हैं, उसको चुनते हैं कि ये गांव में बैठ के गांव की लड़ाई लड़ो। हर चुनाव का अपना महत्व होता है। आज जो अगले 3 महीने में चुनाव है, ये मैं नहीं मानता केवल किसी पार्टी का या केवल किसी उम्मीदवार का चुनाव है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य को तय करेंगे कि आज जिस प्रकार से एक व्यवस्था भ्रष्टाचार की बनाई है, मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति, जिसमें आप इंक्लूडेड है, या तो भ्रष्टाचार के शिकार हैं या भ्रष्टाचार के गवाह हैं। हर व्यक्ति या गवाह है या उसका शिकार है। ये व्यवस्था, एक सिस्टम बना लिया भ्रष्टाचार का, क्या ऐसे कोई प्रदेश चल सकता है? तो आज मध्य प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है, नौजवानों के भविष्य का प्रश्न है, हमारे कृषि क्षेत्र के भविष्य का प्रश्न है। अगर हमारे कृषि क्षेत्र में क्रय शक्ति ना हो, खरीदने की ताकत ना हो, तो कोई अर्थव्यवस्था टिक नहीं सकती। हमें ये बात याद रखनी है, किराने की दुकान चल नहीं सकती, ये बाजार नहीं चल सकते, हमारे जिले के ब्लॉक के बाजार नहीं चल सकता। ये आज सबसे बड़ी चुनौती है, और यही बात हमारी जो यात्रा है, यात्रा का लक्ष्य है कि ये जो गुमराह करने का, ध्यान मोड़ने का प्रयास होता है, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति, गुमराह करने की, दबाने, छिपाने, डराने की राजनीति, इससे हम जनता का ध्यान आकर्षण करें, उनको सावधान करें कि ये आप अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हो, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ रहे, किसी उम्मीदवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हो,
आप कैसा मध्य प्रदेश सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को, यह लड़ाई है। और यही मैं मानता हूं और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वो सब मिलकर सच्चाई का साथ देंगे। मध्य प्रदेश की तस्वीर रखकर किस प्रकार से प्रलोभन, किस प्रकार से घोषणाएं, किस प्रकार से घोटाले, किस चीज में घोटाला नहीं है, भर्ती करो देखो घोटाला, राशन की दुकान, राशन के डिस्ट्रीब्यूशन में घोटाला, खाद बीज घोटाला, जहां देखो घोटाला। क्या हमारे प्रदेश की जनता अंधी है? इसलिए मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है, पूरा फेथ है कि वे मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपसे